तीसरा डिफेक्ट ऑफ है ओल्ड साइटेडनेस और पेस बायोपिया। आप दो बिंदु देखे हाइफन दे के लिख दें, मैं डिफिनेशन बोल देता हूँ। दैट डिफेक्ट ऑफ वुमेन आई बाई वर्च्यू ऑफ विच आई कैन नॉट सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट, आई कैन नॉट सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो आई कैन नॉट सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो आई कैन नॉट सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओल्ड साइटेडनेस और प्रेस बायोपिया। हिंदी लिखे रेस्ट दीजिए, जरा दृष्टिता या प्रेस बायोपिया। लिख के दो बिंदु देखा है, समझ लीजिए। मानव नेत्र का वह दोष जिसमें न तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है उसे जरा दृष्टि दोष या जरा दृष्टिता या प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसको इंग्लिश में आप डिफिनेशन में नाइदर नोर लगा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रीजन, इसके कारण क्या है समझिएगा। फर्स्ट कारण है ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ एज आई लेंस लॉसेस देयर पावर ऑफ एकोमोडेशन एंड इलास्टिसिटी, पहला। और दूसरा कारण है द नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई इंक्रीजेज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट डिक्रीजेज फ्रॉम इन्फिनिटी। इसका हिंदी हुआ कारण लिखे रहते लिख दीजिएगा फर्स्ट नंबर का। मानव की उम्र की अधिकता के कारण नेत्र लेंस अपनी समंजन क्षमता एवं प्रत्यास को खो देता है, खोने के कारण। डायरेक्ट लिख दीजिए, मानव का उम्र की अधिकता के कारण नेत्र लेंस की समंजन क्षमता एवं प्रत्यास घट जाने से या खो देने से। दूसरा है द नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई इंक्रीजेज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट इंक्रीजेज फ्रॉम इन्फिनिटी। इसका मतलब यह हुआ द स्पूर्ण नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाने से एवं दूर बिंदु अनंत से घट जाने के कारण। जो स्पूर्ण नेत्र का या नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाना एवं दूर बिंदु अनंत से घट जाने के कारण, ये भी लिख सकते हैं। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाने के कारण एवं दूर बिंदु अनंत से घट जाने के कारण, चलिए कारण हो गया। रिमेडी, उपचार में देखिए, हाँ, टू रिमूव दिस डिफेक्ट बाई फोकल लेंस इज इन फ्रंट ऑफ डिफेक्टिव आई, इस दोष को दूर करने होती ड्यूफोक्सी लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। देखिए ड्यूफोक्सी लेंस से, आप लोग बुजुर्ग आदमी के चश्मे में देखे होंगे कि लेंस लगा होता है, बीच में लगेगा कि हल्का कटा हुआ है, तो कटा हुआ नहीं रहता है, उसमें एक उत्तल लेंस होता है एक अवतल लेंस होता है। मैं बता दूं, आंख के इस दोष का निवारण हेतु ड्यूफोक्सी लेंस से बने चश्मे का जब व्यवहार किया जाता है तो ड्यूफोक्सी लेंस में एक अवतल लेंस होता है जो कि ऊपरी पृष्ठ की रचना करता है और एक उत्तल लेंस होता है जो कि नीचे की पृष्ठ की रचना करता है। ड्यूफोक्सी लेंस का ऊपरी पृष्ठ अर्थात अवतल लेंस व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए सहायक होता है एवं ड्यूफोक्सी लेंस का नीचे का पृष्ठ अर्थात उत्तल लेंस व्यक्ति को निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट रूप से देखने में सहायता करता है। इसलिए वो जो बुजुर्ग आदमी के चश्मे में देखते हैं से बीच में से कटा रहता है, एक ऊपर अवतल लेंस और नीचे एक होता है आपका उत्तल लेंस, ध्यान दीजिएगा। तो एक नीचे होता है उत्तल लेंस, नीचे का पृष्ठ उत्तल लेंस होता है, इसलिए दोनों, जिसका नाम है ड्यूफोक्सी लेंस। आप पावर देना इसी तरह से, जो आपका उत्तल लेंस होगा उस पर पावर इतना दे देंगे जो सिद्ध किए थे P1 = D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D - D -
दिया है कि कौन क्या है, छोटी डी जहाँ भी रहेगा, LED भी 40-50 बाई का लाएगा, 10 फुट नेत्र के लिए स्पर्श संकीर्ण कमजोरी, बढ़की भी जो रहेगा LED भी फॉर नॉर्मल आई,
अच्छा माने नेत्र के लिए स्पर्श दर्शन के लिए इनकम दूरी, और एक्स जानते हैं आप हार डिस्टेंस पर डिफेक्टिव है, जो स्पूर्ण नेत्र के लिए दूर दूरी। हो गया खत्म, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना इसमें, फॉर्मूला और कुछ नहीं, ऑल साइटेडनेस खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एस्टिगमेटिज्म पर, अबिंदुकता या कहीं कहीं लिखा रहता है अति बिंदुकता भी, ये भी ध्यान दीजिएगा। एस्टिगमेटिज्म लिख करके दो बिंदु देकर हाइफन दे दीजिएगा आप। इसका डिफिनेशन भी यहाँ पर मैं इसे इंग्लिश में लिख दिया हूँ, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम, यहीं से काट के लिख दीजिएगा आप लोग इंग्लिश में, ए सफरिंग ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट्स कैन नॉट सी क्लियरली टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस। हो गया डिफिनेशन, इज कॉल्ड एस्टिगमेटिज्म। खाली जोड़ दीजिएगा, इंग्लिश में लिखिए एस्टिगमेटिज्म लिखिए, दो बिंदु देखिए हाइफन देखिए लिख दीजिए, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट्स कैन नॉट सी क्लियरली टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस। हो गया, अब हिंदी वाले अबिंदुकता चाहे अतिबिंदुकता लिखिए, रहस्य देखिए लिख दीजिए, मनुष्य की वह आंख जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में, मनुष्य की वह आंख जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में एक साथ फोकसित नहीं हो सकती है, एक साथ फोकसित नहीं हो सकती है, अति बिंदुकता के दोष से ग्रसित कहलाती है। एक साथ फोकसित नहीं हो सकती है, अति बिंदुकता या अबिंदुकता के दोष से ग्रसित कहलाती है। अब यहाँ रीजंस कारण लिखे रह दीजिए, इंग्लिश में हम इतना ही लिखेंगे, द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कर्वेचर ऑफ कॉर्निया बिकम अनइक्वल, द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कर्वेचर ऑफ कॉर्निया बिकम अनइक्वल, बस इतना ही तक लिखेंगे, डिफिनेशन में आपको डाल दिया, बस इतना ही तक। हिंदी वाले लिख दीजिए, कारण लिखे डैश देखे, आप ये भी लिख सकते हैं, इसका हिंदी भी जस्ट लिख सकते हैं कि कॉर्निया का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर तलों की वक्रता त्रिज्या असमान होने के कारण, कॉर्निया का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर तलों की वक्रता त्रिज्या असमान होने के कारण, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कारण में, कि यह दोष उस स्थिति में उत्पन्न होता है, यह दोष उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब आँख का नेत्र लेंस पूर्णतः गोल नहीं होती है, अर्थात क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर तलों की वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न होने के कारण। कारण लिख रहे हैं इतना लिख दीजिए, नेत्र लेंस की या आई बॉल की, केवल इतना ही लिख दीजिए ना, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर तलों में वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न होने के कारण, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर तलों में वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न होने के कारण, ये भी लिख सकते हैं, चाहे कॉर्निया का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर तलों की वक्रता त्रिज्या असमान होने के कारण, बस हो गया। अब इसको ठीक कैसे करेंगे अभी देख लीजिए, पहले तो एक चीज हम आपको दिखाना जरूरी समझ रहे हैं, इस फिगर को देखिए, एक क्रॉस सीन है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ए हॉरिजॉन्टल ए वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल, ये ऊर्ध्वाधर है सीधा वाला, ये क्षैतिज है, ये आपका नॉर्मल आँख है, आप लोग का सबका आँख ठीक है हम जानते हैं, तो देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल दिख रहा होगा, लेकिन यही अगर दोष से आप ग्रसित रहते हैं एस्टिगमेटिज्म से, अबिंदुकता से, तो देखिए ये आपका ऊर्ध्वाधर हो गया, ये क्षैतिज, अगर आपको क्षैतिज दिख रहा है तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखेगा, अगर ये ऊर्ध्वाधर आप देख रहे हैं तो देख लीजिए डॉट डॉट कर दिए, क्षैतिज नहीं दिखेगा। यहाँ लिख दिया हूँ क्रॉस सीन बाई नॉर्मल आई, मतलब स्वस्थ नेत्र द्वारा देखा गया क्रॉस का चिन्ह, ये है क्रॉस सीन बाई एस्टिगमेटिक आई, मतलब ये अबिंदुकता दोष से ग्रसित नेत्र द्वारा क्रॉस का चिन्ह, ऐसा होता है तो बहुत मुश्किल होता है, पर सबसे अधिक खतरनाक यही दोष है, उसको इस दोष से जो ग्रसित हो जाएगा उसको आप लाखों की भीड़ में भी पहचान लेंगे, उसका चश्मा भी थोड़ा सा हटकर होता है, देखने में भयानक भी लगता है। अब इसको देख लीजिए रिमेडी उपचार कैसे होगा, टू रिमूव दिस डिफेक्ट ए सिलेंड्रिकल लेंस इज यूज इन फ्रंट ऑफ डिफेक्टिव आई, इस दोष को दूर करने हेतु स्पूर्ण नेत्र के सामने बिलनाकार लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है, इस दोष को दूर करने हेतु स्पूर्ण नेत्र के सामने बिलनाकार लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है, इस तरह से, हालांकि ये भी स्पेकल फॉर्म में ही होता है, ऐसा मत समझिएगा कि प्योर तो सिलेंड्रिकल होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नोट पर एक मैं बात बता दिया हूँ, पूरे न्यूमेरिकल में काम करेगा, द मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंसेस ऑब्जर्व बाई डिफेक्टिव आई बिहेव्स एज इमेज डिस्टेंस फॉर ट्यूब लेंस एंड रिक्वायर्ड डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द साइन ऑफ बोथ इवेंट बी ऑलवेज टेकन इन नेगेटिव, कह रहा है कि जो नेत्र स्पूर्ण नेत्र उसके द्वारा प्रेक्षित किया गया अधिकतम या न्यूनतम दूरी प्रतिबिंब दूरी होता है, यानी जो भी दोस्तों नेत्र देखेगा न्यूमेरिकल बनाते समय, जो भी सवाल में देखेगा कि यहाँ तक देख सकता है 100 सेंटीमीटर तक, तो प्रतिबिंब दूरी है, उसको भी लीजिएगा, और यूज्ड लेंस है चश्मे का या जो भी, तो उसमें जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जहाँ आपको रिक्वायर्ड होगा जितना आवश्यक होगा, कि मतलब वो 200 तक देखना चाहता है, उसको आवश्यक दूरी 200 है, तो वो वस्तु दूरी का काम करेगा, और यू हो चाहे वी हो दोनों नेगेटिव होंगे, याद रखेंगे हमेशा। अभी इतना ही,
फिर शाम में 8 बजे लाइव आते हैं तो आपको स्पष्ट करते हैं। कहीं भी डाउट होगा अवश्य आप पूछेंगे।